Hello everyone, in this video we will discuss question 17.2 of chapter 17 from Gupta and Kapoor. This question says, for the geometric distribution f of x theta, theta 1 minus theta to the power x minus 1. So, देखिए आप लोगों को पता होगा कि geometric distribution जो होता है वो क्या होता है? P into Q to the power X होता है, but ये आपको Pascal geometric distribution दिया है, तो Pascal geometric distribution जो होता है, वो geometric distribution का ही एक form होता है, जिसमें हम लोग formula जो use करते हैं, वो use करते हैं, P into Q to the power X minus 1 का use करते हैं, तो यहाँ पे ये उसी form का है, P into Q, Q को आप 1 minus P लिख सकते हैं, और की पावर क्या हो जाएगा x माइनस वन हो जाएगा. अगर आप लोगों को पता है ये चीज तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं पता है तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि जो पास्कल जो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको हम लोग लिखते हैं p इंटू क्यू टू द पावर x, और आपकी जो x की रेंज होती है वो 0, 1, 2 अप टू सो ऑन जाती है, और आपका जो पास्कल ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो होता है p इंटू क्यू टू द पावर x माइनस वन, एंड x इज गोइंग फ्रॉम 1, 2 अप टू इनफाइनाइट. सो क्वेश्चन में आप लोग देख ही रहे हैं कि x की जो रेंज है वो 1 से स्टार्ट हो रही है. सो ये पास्कल ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है. अब हमको इसमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि मतलब प्रूफ नहीं करना है, हम लोगों को फाइंड करना है अनबायस एस्टिमेटर ऑफ 1/थीटा. सो अब आप लोगों को, अगर आप लोग पास्कल ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन या फिर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की स्टडी कर रहे हैं, तो आपको इसका मीन और वेरियंस ऑलरेडी लर्न होना चाहिए. अगर आपको इसका लर्न है तो बहुत अच्छी बात है, अगर लर्न नहीं है, मैंने इसको अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे पोस्ट किया है, इसकी मीन एंड वेरियंस सारे ही कॉन्टिन्यूस एंड डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के, आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं. सो मैं यहाँ से आप लोगों को बता दूं कि जो पास्कल ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका जो मीन होता है उसका वैल्यू होती है 1/p. ओके, अब अगर हम लोग इस वाले फॉर्म से रिलेट करें तो यहाँ पे p की वैल्यू कितनी है, थीटा है, दैट मीन्स इसका जो मीन होगा वो क्या हो जाएगा, 1/थीटा हो जाएगा. तो देखिए अब हमें इसका फाइंड करना है अनबायस एस्टिमेटर. सो हम लोग अनबायस एस्टिमेटर है तो हम लोग एक्सपेक्टेशन ऑफ x बार को यहाँ से लेके चलेंगे. यहाँ पे हमने ऑपरेट कराया x बार पे, तो देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, 1/n समेशन ओवर xi. अब आपको पता है 1/n भी बाहर आ जाएगा और एक्सपेक्टेशन जो है वो xi पे ऑपरेट होगा. ओके, सो यहाँ से देखिए ये 1/n है समेशन. अब आपको पता है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ xi जो है वो क्या होने वाला है, इस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 1/p था, बट इसके लिए क्या हो जाएगा, 1/थीटा हो जाएगा. तो हमने यहाँ से 1/थीटा लिख दिया, 1/थीटा लिख दिया. तो देखिए हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 1/थीटा कांस्टेंट है, तो समेशन जो है ये जब ऑपरेट होगा तो यहाँ पे n आ जाएगी वैल्यू, बिकॉज समेशन जा रहा है 1 to n. अब यहाँ से 1/थीटा, ये n से n कैंसिल आउट हो गया, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x बार जो था वो प्रूफ कर दिया उसने कि वो अनबायस एस्टिमेटर है 1/थीटा का. सो हमने एक्सपेक्टेशन x बार इसलिए ले लिया था बिकॉज हमें पता है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ xi जो होता है वो 1/थीटा हमें दे देता है. ये हो गया इसका पार्ट ए. अब इसी क्वेश्चन का पार्ट बी हम लोग करेंगे. पार्ट बी इसका बहुत ही ज्यादा इजी है. इसमें बोला है अ रैंडम वेरिएबल x टेक्स वैल्यू 0 and 1 विद रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज थीटा एंड 1 - थीटा. दैट मीन्स कि जो x हमारा रैंडम वेरिएबल है वो क्या वैल्यूज ले रहा है, वो वैल्यूज लेता है 1 लेता है एंड 0 लेता है. 1 लेता है विद प्रोबेबिलिटी थीटा एंड 0 लेता है विद प्रोबेबिलिटी 1 - थीटा. तो ये देखिए कुछ बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्म हो रहा है. सो यहाँ से ये बोला गया है कि इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशन है x1, x2, xn हमारे, फिर उनका यहाँ पे देखिए कोई एक नोटेशन यहाँ से ले लिया गया है जिसका मतलब है कि x1 + x2 + up to xn का सम हो गया. दैट मीन्स ये जो है नोटेशन हमारा ये किसको फॉलो करेगा, ये बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा, बिकॉज सम ऑफ बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो फॉलो करता है बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन को. ओके, सो यहां से हम लोग लिख ही लेते हैं कि ये फॉलो करेगा बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद प्रोबेबल विद पैरामीटर एन एंड थीटा. अब यहां से देखिए हमें शो करना है कि दिस एन माइनस दिस होल अपॉन एन एन माइनस वन इज अनबायस एस्टिमेटर ऑफ थीटा 1 - थीटा. तो हमें इसको थीटा 1 - थीटा का अनबायस एस्टिमेटर प्रूफ करना है. तो उसके लिए देखिए हमें एक्सपेक्टेशन ऑपरेट कराना पड़ेगा, बट अब हमें इसको अंदर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जब भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. बट उसको करने से पहले एन एन माइनस वन कॉन्स्टेंट है, हमने उसको बाहर निकाल लिया. तो यहां से आप लोग देख सकते हैं ये हो जाएगा n एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस, आप इसको एप्सिलॉन या जो भी आपको नोटेशन देना है वो भी दे सकते हैं. फिर ये हो जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस स्क्वायर. सो इसके बाद देखिए यहां से क्या हो जाएगा, 1/n n-1
देन आपका एन कॉन्स्टेंट है. अब आपको पता है कि आपको इसका एक्सपेक्टेशन निकालना है और ये फॉलो करता है बाइनोमियल एन कॉमा थीटा को. अब आपको पता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन क्या होता है, वो होता है एन इंटू पी. अब यहां से आपने एन लिखा बट पी जो प्रोबेबिलिटी है वो है थीटा, तो आपने यहां से थीटा लिख दिया माइनस. अब ये आप कैसे निकालोगे, या आप निकालेंगे वेरियंस का फॉर्मूला यूज करके. तो यहां से देखिए हमने इसका फॉर्मूला ये अप्लाई कर दिया. वेरियंस का फॉर्मूला आप सभी को अच्छे से लर्न होगा. ओके सो यहां से आपको ये समझ में आया होगा वन अपॉन एन एन माइनस वन. अब देखिए ये एन एन है तो ये एन स्क्वायर थीटा हो जाएगा माइनस वेरियंस ऑफ दिस. तो वेरियंस ऑफ दिस क्या हो जाएगा, वेरियंस बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या होता है एन पी क्यू. तो यहां से ये हो जाएगा एन पी की वैल्यू थीटा है, क्यू की वैल्यू क्या है वन माइनस थीटा है. देन यहां से जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये भी टर्म माइनस में हो जाएगा. माइनस में होने की वजह से यहां पे हम लोग क्या कर लेंगे एन स्क्वायर और थीटा स्क्वायर हो जाएगा ये. अब हम लोग देखिए क्या करेंगे, यहां से एन थीटा और इसको जब इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो एन थीटा हम लोग यहां से कॉमन निकाल सकते हैं. तो जब हमने एन थीटा कॉमन निकालेंगे ब्रैकेट में बचेगा एन माइनस वन. ओके फिर ये मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा, उसके बाद ये एन थीटा स्क्वायर हो जाएगा. तो हम लोग एन थीटा स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर ब्रैकेट में बचेगा वन माइनस एन बचेगा. तो यहां से देखिए वन अपॉन एन एन माइनस वन हो जाएगा. देन उसके बाद देखिए यहां से क्या हो जाएगा, ये है आपका एन थीटा ब्रैकेट में एन माइनस वन है, यहां से हम लोग माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो ये एन थीटा स्क्वायर हो जाएगा देन एन माइनस वन हो जाएगा. इसके बाद देखिए वन अपॉन एन एन माइनस वन हो जाएगा, एन माइनस वन हम लोग कॉमन निकालेंगे तो यहाँ ब्रैकेट में बचेगा एन माइनस थीटा स्क्वायर. तो यहां से हम लोग ये भी निकाल सकते हैं एन थीटा निकाल लेंगे तो यहां से हो जाएगा वन माइनस थीटा हो जाएगा. अब देखिए ये सारे टर्म्स हमारे किस में आ गए हैं, मल्टीप्लीकेशन में आ गए हैं. तो यहां से देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, एन माइनस वन कैंसिल हो रहा है, एन एन कैंसिल हो रहा है. तो अब देखिए यहाँ पे बचा क्या, थीटा वन माइनस थीटा. तो हमको इस टर्म को प्रूफ करना था कि ये अनबायस एस्टिमेटर हो जाए दिस टर्म का. तो देखिए यहाँ पे ये प्रूफ हो गया है. तो ये भी ईजी था काफी, बस इसमें एक कैलकुलेशन है, इसमें थोड़ा सा बहुत आपको ध्यान रखना है. सो आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. हैव अ नाइस डे.